सो सॉरी, आइए आइए प्लीज, बैठिए बैठिए, वो थोड़ा नॉट फेयर बर्थडे आप दोनों ने बनाई हुई है, मारती आपकी हीरोइन ज्यादा है यार। टांग को ट्विस्ट कौन करता है बताओ मेरे को? मैं मानता हूँ आपको मेरे पेशेंट ने भाभी कहा, ये तो नहीं बताया ना कि भैया मैं हूँ, ये तो ऐसी कोई बात नहीं थी ना। डॉक्टर साहब, हमारे पिक्चर में गाना है और उसमें एक लाइन है, किसी लड़की को छेड़ा तो दिशुम। दिशुम। सॉरी सॉरी, मैंने तो जिंदगी में नहीं छेड़ना। ओए करेक्ट है, पर लड़की को इतना खूबसूरत भी तो नहीं होना चाहिए। खूबसूरत लड़की को भी नहीं छेड़ना चाहिए। आप मारती हैं वरना मैं तो आपके लिए जान भी दे दूं। थैंक यू डॉक्टर। एक बात कहूं? हाँ। मेरे को मजा भी आ रहा था मार खाने में आपको। हाय वरुण धवन। हाय, हाउ आर यू? हाय जॉन। हाय इब्राहिम। इतना बड़ा शरीर है, एक हाई में समाता ही नहीं है। वैसे जैकलिन, मैं आपको बता रही थी, आपने वो क्या मशहूर गुलाटी डॉक्टर के साथ ऐसा क्या डांस कर लिया? अंदर सबसे कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारी भाभी के साथ डांस करके आया हूँ, तुम्हारी भाभी के साथ डांस करके आया हूँ। मैंने भी उनसे कह दिया ये ठीक नहीं है, हमारे चीफ मिनिस्टर के रिलेटिव के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते आप। कौन चीफ मिनिस्टर के रिलेटिव? ये जैकलिन फडणवीस। ये जैकलिन फर्नांडिस है। ओके 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 सॉरी, लेकिन आप कुछ कीजिए क्योंकि मुझे पता नहीं, जिस तरह ये बिहेव कर रहे हैं ना मशहूर गुलाटी, बहुत सून आप जैकलिन गुलाटी भी हो सकती हैं। वो ऐसा ही है जैकलिन, मैंने बोला था वो सिगरेट से भी नीचे आदमी है। चलो बेरिजी बेरिजी ही, आप स्ट्रीट जाइए, यहाँ से ऐसे राइट लीजिए, वहाँ पे एक स्ट्रेचर है, उसके नीचे वो स्ट्रेच हो रहे हैं। ब्रेक इज हर्ट जैकलिन। यार दे दे, छोड़ना मत उन्हें। वैसे आप लोगों को बता दूं कि मैंने जैकलिन को जानबूझ के अंदर भेजा है। क्यों? ताकि आप दोनों का सारा ध्यान अब सिर्फ मेरे हुस्न पे ही केंद्रित रहे। वैसे भी आप इतनी बड़ी है कि हमारा जो ध्यान है आप पे ही है। That's so sweet. No, no, I mean कि, you know what I mean. इनका कहने का मतलब कि एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं उनको सबसे पहली चीज आप ही दिखाई देती हैं। वैसे देखिए, आपकी फिल्म का नाम है डिशुम। करेक्ट। ओके, अब ऐसी फिल्म में आपने ऐसी नाजुक लड़की को क्यों लिया है? नहीं, मैं खाली कह रही हूँ कि मेरे हिसाब से आपकी फिल्म में ऐसी लड़की होनी चाहिए जैसी इस वक्त आपके सामने खड़ी है। शट अप, बदतमीजी कर रही हो यहाँ पे आके। वैसे जॉन जी, जी मैंने सुना है कि आपने एक फिल्म में एक पूरी मोटरसाइकिल को उठा लिया। जी। और मेरे कुछ फ्रेंड्स कह रहे थे कि एक्चुअली वो कंप्यूटर ग्राफिक्स था, आपने कुछ ऐसा किया नहीं था, ऐसा मेरे दोस्त कह रहे थे। सो आई थिंक हियर्स योर चांस। देखो, अगर आप मुझे उठा पाए तो आज मिल्क का मिल्क वाटर का वाटर हो जाएगा, और अगर तुझे उठा के पटक दिया तो गोबर का गोबर हो जाएगा, उसका क्या? तो सारा आप कलेक्ट करके रख लीजिएगा, बफेलोस केयर टेकर। एक्चुअली वो फिल्म में मैंने सच में बाइक उठाया था। सच में? वो कंप्यूटर ग्राफिक नहीं था, लेकिन आप जो है आप ट्रक के बराबर है। तो नहीं नहीं, बुरी बात नहीं है, तो मुझे मदद चाहिए होगा। कपिल का? नहीं नहीं, आ जा बाबू। चलो चलो कबीर। ये दिस इज अ गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। 1 2 3 अरे आई पुट माय हैंड, मैंने सच्ची में हाथ डाला था। अच्छा, मुझे ये आप लोग चीटिंग कर रहे हैं। नहीं नहीं, एक और बार ट्राई करते हैं। नहीं, आपकी ख्वाहिश है कि नहीं है उठाने की? Are you okay? I'm good. Okay. Hey, Jacqueline. Sorry. Jacqueline. और मेरे कोई दोस्त जो कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज। जी सर।
हेलो एवरीवन. हेलो हेलो जॉन, आपने अपना एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें आपने चैलेंज लेने के लिए कहा था, तो मैं यहाँ पे वरुण, जैकलिन और जॉन तीनों को चैलेंज देना चाहता हूँ. वरुण, सबसे पहले मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूँ. ताहिर शाह के आप बहुत बड़े फ़ैन हैं और मैं चाहूँगा जो एंजल वाला उनका सॉन्ग है उसके गेटअप में आप अगर परफॉर्म कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा. वरुण कौन है? ताहिर शाह. ताहिर शाह एक सिंगर है पाकिस्तान में. इज़ अ सेंटली आदमी है वो. और उन्होंने एक हाल ही में गाना गाया था एंजल. आप सबने सुना? शायद आंटी को बहुत पसंद आएगा वो गाना. लेटेस्ट रिलीज एंजल. तो हाँ. अच्छा, हमने नहीं सुना, हम ही रह गए बस. तो क्या चेंज करना पड़ेगा उसके लिए? ठीक है, तो वरुण आप चेंज कर लें अपना जो भी गेटअप है. Woo! जी, और क्या चैलेंज आपके पास? जॉन, आपको मैं चैलेंज देना चाहता हूँ कि जो लगान में भुवन का गेटअप था उसमें आप डांस करके दिखा दें. एंड एनी स्वीट चैलेंज फॉर जैकी? जैकलिन, आपने बहुत सुपर हिट गानों पे डांस करा हुआ है. हम चाहेंगे कि थोड़ा ओल्ड एक सॉन्ग पे जो है वो किसी गाने पे डांस कर दें. और कपिल सर, प्लीज आप जैकलिन की हेल्प कर दें. बहुत ज्यादा बताओ करना क्या है. मोरे पिया गए रंगून, हैव यू हर्ड अबाउट दैट सॉन्ग? देयर इज अ लेडी हुज पिया, आई मीन हुज हस्बैंड, वेंट टू रंगून फॉर वॉर. ओके. एंड शी इज बिजी किलिंग द फ्लाइज एंड ऑल. आई मीन She is missing her husband. Okay. तो we can recreate that moment. जब वरुण को पहले बोला गया कि आपने भी चड्डी पहननी है, हाँ जी. तो ये शर्माया तो नहीं था? नहीं, उसने बोला कि bro, उसका length क्या होना चाहिए, और खड़े होके वो balance कर रहा था. बोल रहा था bro कैसे दिख रहा हूँ मैं, how am I looking bro? और उसका जो भाई है वो तो director था. जी. से सिंह भैया, भैया how's my चड्डी, भैया, भैया. तो मैं वरुण की चड्डी को एडजस्ट कर रहा था कंटिन्यूअसली. और मैं, क्योंकि मैंने भी किया है, बट ऑब्वियसली आई वांट शॉर्ट्स. चड्डी में कभी नहीं किया मैंने. तो आई वाज जस्ट वरिड कि क्योंकि मेरे किड्स लाइक मी अ लॉट, तो वल्गर ना लगे. तो बच्चे तो सारा दिन नंगे घूमते उल्टा. बच्चों की बात कर रहा हूँ. तो वही, मुझे भी जो माए है वो मुझे भी बच्चे की तरह ही देखते हैं, तो लोगों को ऐसा नहीं लगे कि बच्चा बड़ा हो गया है कुछ, मतलब यू नो. अच्छा, मुझे बात बताओ एक, जैकी आप दोनों में किसकी गर्लफ्रेंड बनी है फिल्म में? एक्चुअली रिवील नहीं कर सकते अभी. सस्पेंस. सस्पेंस है. जैकलिन बहुत मिस्टीरियस और शी इज अ ग्रे कैरेक्टर. मतलब आपको नहीं पता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है. तुम ग्रे करो, ब्लू करो, आई लव यू बस. कोई फर्क नहीं पड़ता हमें. सर, मेरी ऑडियंस भी मुझे यही बोलती है चड्डी के बारे में, ग्रे करो, ब्लू करो, आई लव यू बस. ये तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए. मैं तो खुद सोच रहा हूँ एक एपिसोड चड्डी में करते हैं. सर, तुझे नहीं जचेगी. आपने मुझे कब देखा चड्डी में जो आपको पता? मैं आंटी, सच सच बताओ किसके लिए आए हो आप? मुंडे ने देखने आए या कुड़ी नू? जैकी को. ये जैकी श्रॉफ के भी एपिसोड में सेम कहा था आपने, जैकी को देखने आए हो. मम्मी बस ऐसे लगे रहे ना हम माँ बेटा, एक दिन पटा लेना हमने. शाबाश मम्मी, वेरी गुड. कपिल क्या बोल रहे थे आप? मम्मी लड़का तुम्हारी बहू को छेड़ रहा है. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू कपिल शर्मा एंड अदर फन शो वीडियो अपडेट्स